अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चों, फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students hope you all are doing well as you all know students we have started chapter number 4 transport in humans in our previous lecture and we have discussed topic the heart and the circulatory system and the heart the circulatory system we have studied that the circulatory system is made up of tubes called the arteries veins and capillaries blood is pumped through these blood vessels by the heart is a pump is a muscular organ which pumps blood throughout the body and the heart has 4 chambers the upper two are atria and the lower two are ventricles the heart has its own blood supply which is carried by the coronary arteries and the coronary veins so in today's lecture we'll be starting our new topic which is blood is a mixture of a liquid called plasma with red blood cells white blood cells and platelets floating in it blood looks red because there are many more red cells than white cells in it there are about 5.5 liters of blood in your body so basically students blood is a mixture of liquid blood ek hamare paas mixture hai liquid ka called plasma jo hai ek liquid hai jo ek mixture of a liquid hai jisko hum kehte hain plasma jisme hamare paas kya kya paya jata hai red blood cells white blood cells and platelets aur ye kya kar rahe hote hain hamare plasma mein float kar rahe hote hain ब्लड लुक्स रेड बिकॉज देयर आर मैनी मोर रेड ब्लड सेल दैन वाइट ब्लड सेल्स इन इट अगर हम लोग बात करें कि अगर ब्लड में प्लाज्मा ब्लड जो है ब्लड में सॉरी अगर हम लोग बात करें कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स भी हैं वाइट ब्लड सेल्स भी हैं प्लेटलेट्स भी हैं तो लेकिन जो ब्लड है उसका कलर रेड क्यों होता है वाइट क्यों ही होता है क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स भी तो हैं हमारे पास नहीं लेकिन क्योंकि ब्लड में जो है रेड ब्लड सेल्स का जो अमाउंट है जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है इसीलिए हमारे पास जो ब्लड है उसका कलर भी रेड होता है देयर आर अबाउट 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन योर बॉडी अराउंड एक ह्यूमन बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड जो है वो पाया जाता है नाउ प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड विच इज़ मेनली वाटर विद सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन इट These include digested food from the intestines, carbon dioxide and urea, which is basically a waste, from the cells and hormones from special glands located around the body. So students, basically जो हमारे पास प्लाज्मा है वो स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है मेनली हमारे पास क्या है विच इज़ मेनली वाटर प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा एक हमारे पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड हम प्लाज्मा क्यों कह रहे होते हैं ब्लड को क्यों क्योंकि हमारे पास जो प्लाज्मा है वो एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है जो कि देखा जाए एक पानी है जिसमें फर्दर सब्सटेंसेस जो हैं वो डिसॉल्व हुए हुए होते हैं अब ये सब्सटेंसेस जो प्लाज्मा में डिसॉल्व हुए हुए हैं वो कौन कौन से हैं उसमें हमारे पास डाइजेस्टेड फूड्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि इंटेस्टाइन से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी डिसॉल्व होती है हमारे पास प्लाज्मा में और इसके अलावा यूरिया हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो भी हमारे पास पाया जाता है प्लाज्मा में और इसके अलावा जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो कौन से हैं हार्मोन्स जो हैं जो कि स्पेशल ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करते हैं अराउंड द बॉडी वो भी हमारे पास प्लाज्मा में
होते हैं। सो इस प्लाज्मा के हमारे पास जो हमें मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है। मेनली क्या है, मेनली अगर बात की जाए तो जो प्लाज्मा है वो वाटर है, जिसमें हमारे पास सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं। सब्सटेंसेस कौन कौन से डिसॉल्व होते हैं, तो हमारे पास यूरिया है जो कि वेस्ट मटीरियल है सेल्स का, हार्मोन्स जो हैं हार्मोन्स हैं जो कि सिक्रीट होते हैं फर्दर अराउंड बॉडी पार्ट से। इसके अलावा हमारे पास डाइजेस्टेड फूड है जो कि हमें मिलता है इंटेस्टाइन से। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारे पास प्लाज्मा में डिसॉल्व हुई हुई होती है। नाउ रेड ब्लड सेल्स। सो स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स आर बाय फार द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ ऑल ब्लड सेल्स आर एरिथ्रोसाइट्स। सो स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स का अगर एक और नाम लिया जाए तो उसको हम एरिथ्रोसाइट्स कह रहे होते हैं, और इन शॉर्ट रेड ब्लड सेल को हम RBCs भी कह रहे होते हैं। रेड ब्लड सेल जो है वो हमारे प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर हमारे पास प्लाज्मा जो है 99% हमारे पास जो है प्लाज्मा की बात की जाए तो 100% में 99% जो है वो रेड ब्लड सेल्स उस प्लाज्मा में पाए जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बिल्कुल बताया था कि जो हमारे पास ब्लड का कलर है रेड भी इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास अबंडेंट अमाउंट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। सो RBCs आर मेड इन द बोन मैरो ऑफ लार्ज बोन्स सच एज द रिब्स। हमारे दे आर फाउंड विद अ हॉलो ऑन बोथ साइड्स विच इंक्रीजेज देयर सरफेस एरिया। रेड ब्लड सेल्स आर रेड बिकॉज दे कंटेन अ केमिकल कॉल हीमोग्लोबिन। देयर जॉब इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स आर अनयूजुअल बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस विच मीन्स दे डू नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। रेड सेल्स पिक अप ऑक्सीजन एज ब्लड इज pumped through the lungs. Hemoglobin joins with oxygen to make oxyhemoglobin, which is bright red in color. As it travels around the body, the oxyhemoglobin changes back to hemoglobin, releasing the oxygen to the cells. Without oxygen, the blood is a dull red color before it is pumped back to the lungs to collect more oxygen. सो स्टूडेंट, जो हमारे पास RBCs हैं वो बनते हैं हमारी बोन मैरो में। जो हमारे पास लार्ज बोन होती हैं उनमें हमारे पास रेड ब्लड सेल जो है बनते हैं, जिसके एग्जाम्पल है रिब्स। दे आर राउंड विद अ होलो ऑन बोथ साइड। बेसिकली अगर हम लोग रेड ब्लड सेल्स की शेप की बात करें तो वो कॉनकेव शेप पे होते हैं, कॉनकेव शेप लाइक डिस्क शेप अगर हम लोग बात की जाए। सो स्टूडेंट, इनका जो शेप होता है वो हॉलो होता है दोनों साइड से। अगर आप अपनी स्क्रीन्स पे देखेंगे तो आपको रेड ब्लड सेल्स की पिक्चर भी शो हो रही होगी। लाइक मोस्टली अगर हम लोग कभी आपने कोई ऐसी मेडिसिन देखी हो तो कुछ मेडिसिन का भी शेप इस तरह होता है कि वो बीच से होती है, वो हॉलो शेप की नज़र आपको आती है। और इनके दोनों साइड से हॉलो होने की वजह से इनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, यानी कि वो जगह जो है उनकी, अगर आसान अल्फाज में कहा जाए, जगह घेरने जगह ये लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। रेड ब्लड सेल्स आर रेड बिकॉज दे कंटेन अ केमिकल कॉल्ड हेमोग्लोबिन। सो स्टूडेंट, जो हमारे पास एक केमिकल है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनको रेड कलर मिलता है। अगर अब हम लोग बात की जाए कि हीमोग्लोबिन जो है उसका फंक्शन क्या है, उनकी जॉब क्या है, देयर जॉब इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करेंगी लंग से सारे ऑक्सीजन को अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगी। रेड ब्लड सेल्स आर अनयूजुअल बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस। क्योंकि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये ज़्यादा देर इनका जो लाइफ स्पैन है, जो इनकी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो इनकी ज़िंदगी कुछ महीनों तक की ही होती है। बिकॉज़ क्योंकि अगर हमारे पास किसी भी सेल के पास न्यूक्लियस होता है तो वो फर्दर डिवाइड होता रहता है और इसके फर्दर सेल्स बनते जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास किसी किस्म का कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो ज़्यादा महीनों तक भी जिंदा भी नहीं रह सकते, और फ्यू मंथ जो उनका लाइफ स्पैन होता है, जो उनकी ज़िंदगी होती है, वो कुछ महीनों तक की होती है। रेड सेल्स पिक अप ऑक्सीजन एज ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द लंग्स। जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन पिक कर लेते हैं लंग्स के, क्योंकि हमारे पास लंग्स से ही ऑक्सीजनेट होकर ब्लड जाता है हमारी लेफ्ट साइड पर, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था।
हीमोग्लोबिन जॉइंस विद ऑक्सीजन टू मेक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हमारे पास जब ब्लड लंग्स में चला जाता है तो हीमोग्लोबिन तो ब्लड में होता है, तो वो ब्लड जो है वो ज्वाइन कर हीमोग्लोबिन जो है वो ज्वाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज़ ब्राइट रेड इन कलर। और हमारे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका कलर क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। एज इट ट्रेवल्स अराउंड द बॉडी द ऑक्सी हीमोग्लोबिन चेंज बैक टू हीमोग्लोबिन। जैसे ही हमारे पास लंग से ब्लड फर्दर आगे पूरी बॉडी में सप्लाई होगा तो वो जो है दोबारा जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट जाएगा, ऑक्सीजन जो है हमारी अराउंड द बॉडी सारे सेल्स को मिल जाएगी और जो हीमोग्लोबिन है वो दोबारा हीमोग्लोबिन बन जाएगा, अपने दोबारा उसी फॉर्मूला में उसी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। Without oxygen, the blood is a dull red color before it is pumped back to the lungs to collect more oxygen. अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन ज्वाइन ना हो तो हमारा जो रेड ब्लड है वो एक डल रेड कलर में होगा और वो दोबारा लंग्स के पास चला जाएगा और फिर लंग्स के पास जाकर हीमोग्लोबिन ज्वाइन होगा ऑक्सीजन के साथ और फिर लंग्स से आगे अराउंड द बॉडी सप्लाई जब वो होगा तो वो फर्दर हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। सो स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्क्रीन पे एक पूरी साइकिल भी शो हो रही होगी, एक आपको डायग्राम जो है उन्होंने एरो की मदद से बताई हुई है। लाइक हीमोग्लोबिन के पहले सेल्स बताए हुए हैं, हीमोग्लोबिन के सेल्स जाएंगे हमारे लंग्स के पास, लंग्स के हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा उससे ज्वाइन होंगे और बन जाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि बन जाएंगे रेड ब्लड सेल और उनका कलर क्या होगा, ब्राइट रेड कलर होगा। जब ये सारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के जरिए पंप हो सप्लाई किए जाएंगे बॉडी सेल्स को तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन रेड हमारी बॉडी सेल्स को सप्लाई हो जाएगी और जो हीमोग्लोबिन है वो दोबारा उसी अपने दोबारा अपने स्ट्रक्चर में वापस आ जाएगा और फिर दोबारा लंग्स के पास जाकर दोबारा ऑक्सीजन से कंबाइन या फिर ज्वाइन होगा। सो नाउ द वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हैव अ बिग न्यूक्लियस एंड कैन चेंज देयर शेप। Their job is to protect the body against the disease. Some white cells eat the microbes that causes diseases. Other make antibodies or antitoxins. Antibodies are chemicals that destroy microorganisms by dissolving them. There is a different antibody for each kind of microorganism. Antitoxin break down toxin poison that microorganisms produce. सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स है जो उनका न्यूक्लियस होगा वो बहुत ज़्यादा बिग होगा, उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है और वाइट ब्लड सेल्स अपना शेप जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। देयर जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WBCs भी कहते हैं, जैसे हम RBCs कहते हैं, जैसे हम WBCs भी कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, इनकी जो जॉब है वो क्या करेंगी, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। सब वाइट ब्लड सेल्स ईट माइक्रोब दैट कॉजेज डिजीजेस, और हमारे पास वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो माइक्रोब्स जो कि हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं उसको खा जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सब वाइट सेल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास माइक्रोब्स हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उनको खा लेते हैं, उनको खाकर ख़त्म कर देते हैं। अदर में एक एंटीबॉडीज़ एंड एंटीटॉक्सिन्स, अदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स क्या क्या हो सकते हैं, एंटीबॉडीज़ आर केमिकल दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिसॉल्विंग देम, यानी कि एंटीबॉडीज़ वो केमिकल्स होते हैं जो कि WBCs हमारे वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, किस तरह से कि उनको डिसॉल्व कर देते हैं। देर इज़ अ डिफरेंट एंटीबॉडी फॉर ईच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग तरह की एंटीबॉडीज़ है। एंटीटॉक्सिन ब्रेक डाउन टॉक्सिन पॉइजन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, जबकि जो सारे एंटीटॉक्सिन्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास सारे एंटीटॉक्सिन्स होते हैं वो तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं टॉक्सिन्स का, ताकि जो हमारे पास वो टॉक्सिन जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और फर्दर फिर हमें कोई बीमारी कॉज करते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो इन सबको इस तरह वो किल कर देते हैं। Now platelets. Platelets are bits of cell broken of larger cells in the bone marrow. They help to clot the blood and stop bleeding at cuts. It works like this. Platelets cause tiny fibers to form a net across the cut. Red cells get caught in the net, forming a blood clot. The surface of the clot hardens to form a scab.
दिस कीप्स द कर्ड क्लीन वाइल न्यू स्किन ग्रोस, यानी कि जो हमारे पास सारे प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर बिट्स ऑफ सेल ब्रोकन ऑफ लार्जर सेल्स इन द बोन मैरो। जो हमारे पास बोन मैरो में जो लार्जर सेल जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उनके छोटे छोटे पीसेज होते हैं उनको हम प्लेटलेट्स कह रहे होते हैं। ये हमारे पास एक क्लॉटिंग फैक्टर का काम कर रहे होते हैं। जब कभी भी हमें कोई कट लग जाता है, हमें कोई ऐसी चोट लग जाती है जहाँ से हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे जो हमारे जो है वो ब्लड क्लॉट बन जाता है जो कि प्लेटलेट्स बना रहे होते हैं, और इससे क्या होता है हमारी ब्लीडिंग जो है वो फौरन ही स्टॉप हो जाती है, और हमारी ब्लीडिंग रुक जाएगी तो हमारा खून भी ज़ाया नहीं होगा और हमें कोई और भी आगे मुश्किल नहीं होगी। अब जो ये पूरा मैकेनिज्म है क्लॉट बनने का वो किस तरह हो रहा है, वो इस तरह होता है कि प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट कॉज टाइनी फाइबर्स टू फॉर्म अ नेट अक्रॉस द कट, यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो टाइनी फाइबर्स बनाएंगे, और जो टाइनी फाइबर्स होंगे वो उस कट के अराउंड जहाँ आपको चोट लगी होगी वहाँ पर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे उस कट के अराउंड पूरे। रेड सेल्स गेट कॉट इन द नेट फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। अब जो सारे रेड ब्लड सेल्स हैं जो उस कट से बाहर खून बह रहा होता है वो क्या हो जाएंगी, वो जो उन जो हमारे पास टाइनी फाइबर्स की जो नेट बन गई है उसमें फंसना शुरू हो जाएंगी, या उसमें पकड़ वो जो नेट है वो उनको इस तरह ग्रिप करके पकड़ लेगी कि वो एक क्लॉट की सूरत बन जाएगी, और फिर जब वो क्लॉट बन जाएगा तो उससे हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। द सर्फेस ऑफ द क्लॉट हार्डेंस टू फॉर्म अ स्कैब, यानी कि जो हमारे पास जो अब जो टाइनी फाइबर्स की जो नेटवर्क पूरा एक बन गया था, यानी कि नेट बन गई थी अक्रॉस द कट, जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स को जो टाइनी फाइबर्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं और एक क्लॉट की सूरत बना देते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो जो क्लॉट का सरफेस होता है, वो जो नेट फाइबर का सरफेस होता है वो हार्डन होना शुरू होता है, वो सख्त होना शुरू हो जाता है और हमारे पास एक स्कैब बन जाता है। दिस कीप्स द कट क्लीन वाइल न्यू स्किन ग्रोस। अब ये क्या कर रहा होता है, ये जो स्कैब बन जाता है वो हमारे कट को जो है क्लीन रखता है जब तक एक नई स्किन उस पर नहीं आ जाती है। अगर आपने नोट करा हो कभी आप कभी गिर जाते हैं, आवाज़ से आपको कहीं ब्लीड हो रही हो और थोड़ा सा खून बह रहा हो, तो एकदम से वहाँ पर खून बहना बंद हो जाता है। जब वो खून होना बंद हो जाता है तो वो एक रगड़ टाइप की बन जाती है, एक जख्म जैसा हो जाता है जो कि खुदरा खुदरा सा होता है, और उसमें हार्ड सी एक स्किन आ जाती है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वो जब वो हमारी जो खुरन जिसे हम कहते हैं वो अगर हट जाती है तो फिर हमारी नई स्किन उस पर ग्रो होना शुरू हो जाती है, और वो दोबारा वैसा ही वो जो कट होता है वो जगह वैसे हील हो जाती है कि आपको वो लग भी नहीं रहा होता कि वहाँ कभी आपको चोट लगी थी। जिस तरह के आपको एक ये डायग्राम शो रही होगी, द माउंड इज ब्लॉक्ड बाय फाइबर्स एंड रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद हमारे पास क्या है, लेयरिंग पूरी हुई हुई है वाइट ब्लड सेल नीचे से देखेंगे अगर आप, तो फिर कैपिलरीज, फिर प्लेटलेट्स, फिर स्किन। जब कभी भी हमें चोट लगी तो अब जहाँ हमारे पास समझे यहाँ पे एक कट लग गया, हमें वहाँ से खून निकलता जाएगा। अब हम वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे फाइबर्स प्रोड्यूस होंगे प्लेटलेट्स की वजह से, प्लेटलेट्स जो है हमारे पास वो फाइबर प्रोड्यूस करेंगे, और फाइबर प्रोड्यूस होने की वजह से मैंने वो क्या बताया था, टाइनी एक जो है नेट बन जाएगी उस कट के अक्रॉस। जब वो कट के अक्रॉस नेट बन जाएगी वो किस तरह बन रही होगी, टाइनी फाइबर्स की वजह से, और वो हमारे जो कट को ब्लॉक कर देंगे, जो माउंड है हमारा उसको ब्लॉक कर देंगे फाइबर्स, और रेड ब्लड सेल जो है वो बाहर बहकर नहीं आएंगे। जब हमारे पास रेड ब्लड सेल बाहर नहीं आ रहे होंगे तो जो हमारा जो स्किन पूरी सरफेस पूरा बन गया है नेट टाइप, वो जो है वो हार्डन होना शुरू हो जाएगा, और फिर टाइम के साथ वो हील ही होते होते वहाँ पर नई स्किन ग्रो हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ थिंग्स गेट इन एंड आउट ऑफ द ब्लड। द वॉल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज आर वेरी थिन विद टाइनी होल्स इन देम। अ लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड लीक्स आउट। टिश्यू फ्लूइड इज मेनली वाटर एंड इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लिंक बिटवीन द वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा एंड द वाटर इन द सेल साइटोप्लाज्म। यानी कि जो हमारे पास इसमें हमारे क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास फर्दर सब्सटेंसेस हैं, जो थिंग्स हैं, वो ब्लड के इन और आउट किस तरह ट्रैवल करती हैं, या ब्लड में आती किस तरह है, और ब्लड से फिर बाहर सेल्स को किस तरह मिलती है। जैसे कि हमारे पास जो ब्लड है वो क्या क्या सप्लाई कर रहा होता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरी बॉडी को, और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा होता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह ब्लड में मिल रही है, और फिर दोबारा ब्लड से निकलकर दूसरे सेल्स को किस तरह पहुंच रही है। तो इसमें हमारे पास क्या बात हुई है कि जो वॉल्स है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरीज आर वेरी थिन। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, हमारे पास ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज।
जो कैपलरीज होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, इसीलिए जो उनकी वॉल है, जो उनकी वॉल्स होती है कैपलरीज की, वही बहुत ज़्यादा थिन होती है और उसमें टाइनी टाइनी होल्स होते हैं। अ लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड लीक्स आउट, जो हमारे पास टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं वो लीक आउट हो सकता है। टिश्यू फ्लूइड इज़ मेनली वाटर, जो हमारे पास टिश्यू का जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, मेनली वाटर का होता है और वो हमारे पास कंटिन्यूस लिंक रखता है। किस तरह, जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो लिंक रख रहा होता है हमारे जो बॉडी का प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा है उसके साथ, और जो हमारे सेल साइटोप्लाज्म, जो हमारे सेल्स जो होते हैं उसमें जो वाटर होता है उसके साथ। तो इस तरह वो जो हमारे पास फर्दर थिंग्स है, सब्सटेंसेस हैं, वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, ब्लड के अंदर मिल रहे होते हैं, ब्लड से बाहर दूसरे सेल्स तक जा रहे होते हैं। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर शो रही होगी, उन्होंने एक ब्लड की जो है कैपिलरी बना के दिखाई हुई है, उस पर हेडिंग भी है ब्लड कैपिलरी। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी सेल्स इनटू द प्लाज्मा, यानी कि जो हमारे सेल्स में, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जो वेस्ट मटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होगा, वो सेल्स के थ्रू चला जाएगा अंदर। इसी तरह बॉडी सेल जो है एक दिखाया गया है, और उससे जो है क्या मिल रहा है, वेस्ट और जो सारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरी के अंदर जा रही है, और टिश्यू फ्लूइड अराउंड बॉडी सेल्स, और इसी तरह कैपिलरीज के अराउंड हमारे पास क्या दिखाया गया है, बॉडी फ्लूइड दिखाया गया है, टिश्यू फ्लूइड दिखाया गया है। फूड फ्रॉम दी ब्लड प्लाज्मा टू दी बॉडी सेल, इसी तरह जो हमारे ब्लड में कैपिलरीज में जो ब्लड है उससे हमारे पास सारा जो फूड है, जो कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी सेल्स को मिलनी चाहिए, वो ब्लड से मिल रही है बॉडी सेल्स को। इसी तरह जो अगर हम लोग बात करें अपने लेफ्ट हैंड की, तो इस तरफ रेड ब्लड सेल शो किए गए हैं आपको, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द रेड ब्लड सेल टू द बॉडी सेल। अब अगर आपको इन शॉर्ट बताया जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक कैपिलरी है, कैपिलरी जो है ब्लड जो है वो पूरा घूम रहा है, यानी ब्लड जो है सप्लाई किया जा रहा है कैपिलरीज के ज़रिए। कैपिलरीज के साथ जो है हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं। अब बॉडी सेल्स में जो जो वेस्ट मटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जब हमारे पास कैपिलरी से ब्लड ब्लड ट्रैवल करेगा, तो ब्लड जो है वो सारा वेस्ट मटीरियल चला जाएगा ब्लड के पास, और ब्लड से सारे जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वो चली जाएगी बॉडी सेल के पास। इसी तरह जो टिश्यू का जो फ्लूइड है वो, और बॉडी जो फ्लूइड है वाटर जो प्लाज्मा में जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वो इस तरह सारे सब्सटेंस को सप्लाई कर रहा है इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड इन एंड आउट ऑफ द ब्लड। ऑक्सीजन एंड फूड इन द टिश्यू फ्लूइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स, वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया डिफ्यूज इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो ऑक्सीजन और फूड है वो टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे, ब्लड में टू द सेल्स, सेल्स सारे जो टिश्यू फ्लूइड के जरिए वो डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड से सारे सेल्स में, और जो वेस्ट मटीरियल है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया वो डिफ्यूज हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बॉडी सेल से चला जाएगा ब्लड के पास। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ब्लड का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।